यस बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू द स्टूडियो। राइट, जल्दी से लाइव हो जाओ सेशन के लिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट आर न्यू हियर? कितने बच्चे हैं जो अभी नए हैं? यस, जल्दी से बताओ मुझे कितने स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं। ओके, ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑन द स्टूडियो प्लासिबो नीट अन अकेडमी। राइट, ओके, दिस इज अवर योर टीम एग्जैक्टली विच इज वर्किंग हार्ड फॉर यू पीपल। और आपको इस टीम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है ताकि मैक्सिमम मैक्सिमम रिजल्ट आप दे पाए, आपके नीट 2020 अच्छे से बढ़िया से क्वालिफाई हो, अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई हो। यस बच्चों, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हमारी, आपको पता ही है सीरीज कौन सी चल रही है। दिस सीरीज इज योर नीट 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, और जो नीट की पैटर्न पर है, नीट 2020 के पैटर्न पर है, जिसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सभी तरह के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिया है। और हर चैप्टर के ऊपर लगभग लगभग मेरी 3 से 4 सीरीज चल रही है। राइट, ठीक है, तो दिस इज पार्ट 3। राइट, तो पार्ट 4 भी आएगा। राइट, तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं। द टॉपिक इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आपने पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है ताकि आपका नीट 2020 का प्रिपरेशन बेस्ट टू बेस्ट हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को ये वीडियो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ। फॉर न्यू स्टूडेंट, दिस इज योर एसपी गौतम सर, 15 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। राइट, मोर देन 10,000 स्टूडेंट को ट्रेन कर चुका हूँ नीट और एम्स के लिए। बहुत अच्छे डॉक्टर्स अच्छे हैं, वो अभी काम कर रहे हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। राइट, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट्स के साथ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप बच्चों, आपके मोबाइल्स में, आपके लैपटॉप में, आपके सेटअप्स में टेलीग्राम ऐप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके थ्रू आप अपने फैकल्टी के साथ, यानी हमारे साथ में पूरी टीम के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो, चीजों को आस्क पूछ सकते हो कि सर मुझे इस टॉपिक पे डाउट्स हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाएं, इसके सर माइंड मैप चाहिए हमें या इसके पीडीएफ फाइल्स चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलर मैनर में इतनी सारी जो आपकी लाइव क्लासेस होती हैं तो कई बार उसके नोटिफिकेशन यूट्यूब के थ्रू नहीं पहुंच पाते हैं, तो केसेस में टेलीग्राम ऐप आपको वो करके दे रहा है। राइट, तो आप इस पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, जल्दी से जुड़ जाएं। कैसे करना होगा, t.me नीट क्लासिको को यूआरएल में डालेंगे आपके डाउनलोड करने के बाद, देन जस्ट ज्वाइन एंड यू मी एंड होल टीम विल विद यू। राइट, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दिस इज योर प्लस प्लेटफॉर्म विच इज वेरी 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 डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु वांट टू क्वालिफाई नीट 2020 विद गुड मार्क्स, गुड रैंक। राइट, तो उनके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ 1-to-1 इंटरेक्शंस हैं, क्विजेज एंड टेस्ट हैं जो आपके रैंक को बूस्ट करेगी। यहाँ पर आपके पास डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे हर थर्ड क्लास, एवरी थर्ड क्लास इन ईच बैच इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। तो डाउट रह ही नहीं पाएगा, तो एग्जैक्टली आपकी रैंक, आपका पोटेंशियल मैक्सिमाइज हो पाएगा। लाइव क्लासेस हैं, 50 प्लस एजुकेटर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं जो आपके से लाइव क्लासेस ले रहे हैं ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो। राइट, आपके जो डिजायर्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उनको अचीव कर पाए आप। पर्सनलाइज लर्निंग है, हर बच्चे का जो लेवल होता है, हर बच्चे का जो मोटिवेशन लेवल प्लस योर एटीट्यूड जो होता है एग्जैक्टली वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, सभी का पोटेंशियल भी डिफरेंट होता है। तो उस पॉइंट को माइंड में रखते हुए जैसे पर्सनलाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म आप अपने पेस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। बच्चे, यहाँ पर आपको वीकली टेस्ट ड्रॉपर बैच के लिए, वीकली टेस्ट 12 बैच एंड ऑन गोइंग क्लास 11 बैच के लिए मूव कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप यहाँ पे मिलेंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर कैप्सूल कोर्सेस, मेगा कोर्सेस, माइक्रो कोर्सेस, डीपीपी टेस्ट सीरीज, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। और इन सब चीजों को अवेल करने के लिए, आपको बेनिफिट लेने के लिए खाली एक सब्सक्रिप्शन काम करेगा। तो वो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको अपने नीट रिकॉर्डिंग करना क्या है, बहुत सिंपल फंडा है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करते ही इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप प्लस में जाएंगे, तो प्लस आपने क्लिक करना है, प्लस में आपको आगे जो क्लिक करना है दैट इज नीट यूजी सब्सक्रिप्शंस। नीट यूजी सब्सक्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाता है कि यस कितने महीने का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, 1 month, 3 month, 6 month और 12 month या 24 month, जितना ज्यादा मंथ का ड्यूरेशन है उतना ज्यादा वो अकाउंट में पड़ रहा है। लेकिन आपकी अगर नीट है 6 month की, 6 month के लिए सफिशियंट रहेगा तो आप 6 month चूज करें। 6 month चूज करने के बाद आपकी जो फीस है वहां पर आपको इंडिकेट होगी, जैसे यहाँ शो हो रही है एक इंडिकेट फी, तो आपको उसको कम करने के लिए एक कोड अप्लाई करना है, दैट कोड इज योर SPG लाइव। ये एक रेफरल कोड है जो मेरी तरफ से रहेगा, आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा। आपने जिसको अप्लाई किया लिखने के बाद,
आपके रेफरल कोड में व्हेन यू अप्लाई, जस्ट आपकी फीस जो है इमीडिएटली 10% डिस्काउंट करके शो हो जाएगी। नाउ आपने पे करना है, प्रोसीड द पेमेंट एंड देन डन कंप्लीटली। आप इसका करते ही आप मेरे साथ, मेरी पूरी टीम के साथ और 50 प्लस एजुकेटर्स से सबकी क्लासेस लाइव ले पाएंगे और मेरे साथ आपका पर्सनल इंटरेक्शन रहेगा, मेरे जो लिस्ट रहेगी उसमें आप बच्चे रहेंगे, तो मैं आपको आपके पोटेंशियल अकॉर्डिंग ट्रेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप रहता है, इसके थ्रू हम मूव कर सकते हैं। इस तरह से आपको सफिशिएंट शो होते हैं एंड देन यू कैन यूज एसपीजी लाइव एज ए रेफरल कोड टू रिड्यूस योर फी। द क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमें करना है, सबसे पहले जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 को करके देखिए क्या होता है। बच्चों रीड भी करना है अच्छे से, क्योंकि ये कैसा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली आपको इसमें करेक्ट मैचिंग करनी है। स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, लोकेशन दी हुई है और फंक्शन दिए हुए हैं, 3 आपके कॉलम्स हैं यहाँ पर, तो आपको मैच करना है एग्जैक्टली कौन सा सही है कौन सा गलत है, किसको किसके साथ जाना चाहिए, राइट। और उसमें से सही वाला देखना है, करेक्ट मैच देखना है। तो हम यहाँ देखें, अगर हमें करेक्ट मैचेस, करेक्ट मैचिंग निकालनी है, तो पहले पर चलते हैं फर्स्ट वन पर कि यस स्ट्रक्चर में यूसेजिंग ट्यूब, क्या यूसेजिंग ट्यूब की लोकेशन एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरनल ए होती है, क्या इसका फंक्शन इक्वलाइज एयर प्रेशर ऑन साइड, ये तो चलो ठीक समझ आता है, लेकिन क्या इसकी लोकेशन ये है, तो इस लोकेशन के बेसिस पर फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, सेरेबिलम, सेरेबिलम क्या मिड ब्रेन में लोकेटेड है, रॉन्ग, मिड ब्रेन में नहीं, ये तो बच्चों नीचे वाला पोर्शन है, हिंड ब्रेन का पोर्शन होता है, यहाँ पर हमारा लोकेशन के बेसिस पर ये रॉन्ग ऑप्शन बनता है। सी पे चलते हैं, हाइपोथैलेमस, चलिए ठीक है, हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, तो ठीक है फोर ब्रेन में लोकेट होता है, बिल्कुल सही यहाँ पर आप, लेकिन क्या इसका फंक्शन करता है, ये कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बिल्कुल ठीक है, यानी हाइपोथैलेमस फॉर ब्रेन लोकेशन हो गई, फंक्शन सही हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम इसको मैच को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, फोर्थ ऑप्शन को भी ट्राई कीजिए, ब्लाइंड स्पॉट डी कहता है, नियर द रॉड एंड कॉन्स के पास होता है क्या, ओके चलो मानते हैं कोई रीडर, लेकिन बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है। और ऑप्शन क्या दिया, फंक्शन क्या था, आर प्लेस वेयर बट इनएक्टिव ऑप्टिक नर्व, ये इनएक्टिव ऑप्टिक नर्व वाला जो फंडा दिया है, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन हियर, तो यहां पर भी रॉन्ग बनता है। तो आंसर हमें यहां क्या मिलेगा बेस्ट, हमारा आंसर जो बनेगा फर्स्ट का सी ही बनेगा बेस्ट आंसर, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, आप सभी के मेरे ख्याल से मैच कर गए होंगे, और मैच नहीं करे हैं तो प्लीज चेक इट आउट, आपको आंसर मैच करना चाहिए क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस काफी आने लगे हैं। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द टाइप ऑफ न्यूरॉन विद इट्स लोकेशन, बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर पाओगे, लड्डू वो भी बेसन लड्डू है, खा लो जल्दी से। तो क्या है, यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रियोनिक स्टेज मिलता है, तो बात सही है यार, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर न्यूरॉन मिलते हैं, तो ये ठीक है, मैं चलता हूं। बाइपोलर न्यूरॉन क्या कॉर्निया ऑफ आईज में, नहीं बच्चों ये रेटिना पे मिलता है, बाइपोलर न्यूरॉन और स्नेडेनियन मेम्ब्रेन्स ऑफ योर नोज मिलता है, तो ये ऑप्शंस जो सेकंड वाला है एकदम गलत है। थर्ड पे चलते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, चल ठीक है मानते हैं वहां पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स मल्टीपोलर न्यूरॉन मिलता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, यहाँ पर सी भी ठीक है, तो मेरे दो स्टेटमेंट सही मिल गए, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, मेरे पास आंसर बनेगा 1 और 3 ऑनली, तो सी वुड बी योर राइट ऑप्शन इफ यू चूज राइट। अगर उस क्वेश्चन नंबर 2 में पाते हैं तो हम सी को ही ले पाएंगे राइट ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राइट, अगला पॉइंट क्या हमारा, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर गिवन डायग्राम दिया गया, हमें एक डायग्राम गिवन है बच्चों, इस डायग्राम में शो किया गया है टर्मिनल एंड को, शो किया गया है साइनेप्स को, शो किया गया है और कुछ लेबलिंग की गई है ए बी सी डी की यहां पर, ठीक है, चूज करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग की, जहां पर लेबलिंग की गई है वो पार्ट एग्जैक्टली क्या वही पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर ए की बात करते हैं तो ए क्या लेबल है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा सिनेप्टिक वेसिकल्स है, क्या जो सिनेप्टिक वेसिकल्स, चलो हम इसको लेबल कर देते हैं, साथ साथ आंसर मैच करेंगे तो हमें मिलना चाहिए, तो ये क्या हो गया हमारे सिनेप्टिक वेसिकल, तो क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल्स है हमारे पास ये। चलो बी की बात करते हैं तो ये एक्सोन का एंड टर्मिनल है, क्या है एक्सोन का एंड टर्मिनल है, तो हम कह सकते हैं बी इज योर एक्सोन एंड टर्मिनल, ठीक है जी, एक्सोन एंड टर्मिनल हो गया, ये एंड टर्मिनल भी कह सकते हैं, ठीक है। सी पे चलते हैं तो ये क्या है, सी ये पोर्शन हो गया जो इंडिकेट किया गया है यहाँ पर, ये इन दोनों टर्मिनल्स के यानी पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल और इसके बीच में एक गैप है, तो इस गैप को हम क्या कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, क्या कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो मेंशन कर दो साइनेप्टिक
क्लेफ्ट इज दिस एग्जैक्टली, और डी की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गए, दिस इज योर पोस्ट सिनेप्टिक राइट मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों। तो अल्टीमेटली अब मैच कर सकते हो आसानी से, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग कौन सा मैच करता है आपका, ए सिनेप्टिक वेसिकल था ठीक है, बी एक्सोनल टर्मिनल था ठीक है, और सी सिनेप्टिक क्लेफ्ट था, और डी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन थी, जो बिल्कुल हमने मैचिंग वहां पर कर ली है, और उसके अकॉर्डिंग ए हमारा ऑप्शन बेस्ट बनता है। बी में क्यों नहीं जा सकते, बी में आप देखो ए को एक्सोनल टर्मिनल कह रहा है, क्या एक्सोनल टर्मिनल है, नहीं यही गलत हो गया। सी में जाता हूं तो सी में ए को सिनेप्टिक वेसिकल है लेकिन बी को क्लेफ्ट कहा गया है जो कि यहां पर गलत हो गया। डी में आओ ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा गया है, ऑलरेडी गलत कर दिया यहाँ पर, तो हमारा ए ऑप्शन बेस्ट आता है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी करते हैं, और मेरा मानना है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे तो आप आसानी से निकालेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो, मैं आपको दे रहा हूं 10 सेकंड में जल्दी से खत्म करके बताऊं मुझे कि आंसर सही है, ये वाला होना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए बच्चों, सही होना चाहिए, जल्दी करना है लेकिन सही आंसर देना हमें। Which one of the following is mismatch? बताइए कौन सा इसमें जो है mismatching की गई है। हाँ तो आंसर आ गए सभी के मेरे पास, चलो मैं आगे डिस्कस करूं पॉइंट को लेकर। तो cerebrum क्या करता है, मेमोरी के लिए है, हमें निकालना है, यहां अंडरलाइन कर लो, mismatch करना है, mismatch वाला पोर्शन निकालना है। तो पहला तो हमें एकदम मैचिंग लग रहा है, सेरेब्रम मेमोरी का काम करता है कि हाँ बिल्कुल, एक पोर्शन होता है सेरेब्रम का जो मेमोरी इंटेलिजेंस के लिए रिलेटेड है। तो राइट आंसर इज ओके, चलो ये हमें मिल रहा है, हमें मिसमैच चाहिए। मेडुला ओब्लोंगेटा, क्या मेडुला ओब्लोंगेटा टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, तो यहां पर गलत हो गया यार, कि यहाँ टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं करता है, यानी कि हमारा जो मिसमैचिंग है वो यहां मिल गई। टी पर भी आओ सी पे भी आओ, सेरेब्रम इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, तो ये ठीक है, इक्विलिब्रियम का एक पार्ट होता है उसका मेंटेनेंस, ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल के लिए होता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां हमें आंसर तो मिल गया हमारा बी। अब हम मेडुला ऑब्लोंगेटा करता क्या है, थोड़ी उनके बारे में एक लिटिल बिट इंफॉर्मेशन जरूर ले लें, ताकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर बनता है तो हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, तो उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पहली बात क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहां है, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, कहां पर मिलता है, पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, किसका पार्ट है बच्चों, याद रखना है ब्रेन स्टेम का पार्ट है, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। दूसरी बात, ये कहां लोकेट होता है, सिचुएटेड कहां होता है, तो आप कहोगे सर ये सिचुएटेड होता है कहां पर, बिटवीन किस किस में, बोन्स के बीच में एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका ये लोकेटेड होता है, तो ये पॉइंट भी हमें समझ आती है। तीसरा पॉइंट हम ये समझ सकते हैं इसके बारे में, इसका फंक्शन क्या होता है, नंबर वन फंक्शन होता है कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करना, कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है जी। दूसरा फंक्शन क्या होता है, रेस्पायरेटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करना, रेस्पायरेशन वगैरह, रेस्पायरेटरी एक्टिविटी। और तीसरा फंक्शन करता है एग्जैक्टली वॉमिटिंग को भी कंट्रोल करता है, ये वॉमिटिंग को भी कंट्रोल करता है बच्चों, वॉमिटिंग हो गया, एंड वैसो मोटर सेंटर भी कह सकते हैं, यहाँ पर वैसो मोटर सेंटर भी कहा जाता है इसको, वैसो मोटर सेंटर। तो हमें ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो माइंड में रखनी है टूवर्ड्स योर मेडुला ओब्लोंगेटा के रिगार्डिंग, ठीक है। तो एग्जैक्टली याद रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें से आंसर हमारा बी है, और ये लिटिल बिट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हमने पढ़ी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को स्टडी करते हैं बच्चों, आंसर सही चल रहे हैं आपके, गलत तो नहीं होना चाहिए, आप मैच करते जाना कौन से आंसर मैच हो रहे हैं, कौन कौन से आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, और उसको एक ट्रेंड बनाना कि हाँ सर मेरे इतने गलत हुए इतने सही हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, फाइंड आउट द राइट मैचिंग, बच्चों अंडरलाइन कर लेना, राइट मैचिंग की बात हो रही है यहाँ पर, राइट मैचिंग की बात हो रही है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 क्या एकोमोडेशन प्यूपिल कराता है, ये तो रॉन्ग है यार, एकोमोडेशन कब से प्यूपिल कराने लगा, नहीं एकोमोडेशन प्यूपिल का काम नहीं है, तो हमारा एक राइट मैचिंग ये नहीं मिला हमें। चलो दूसरा देखते हैं, कलर परसेप्शन जो है कोन्स करती है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, कलर परसेप्शन जो है कोन्स करती है। नाइट ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो रोड से, नहीं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और बाइनोकुलर विजन आइरिस, नहीं बच्चों ये भी नहीं। तो हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि प्यूपिल करता क्या है यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर तो आ गया लेकिन इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते चलेंगे, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। हमारा मेन मकसद यही है कि क्वेश्चन के साथ में इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी लेते जाएं, ताकि हम आगे वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को। तो प्यूपिल क्या करता है, ये बच्चों कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ, इट कंट्रोल, यस प्यूपिल व्हाट, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ, एड ऑन कर लो, अमाउंट ऑफ व्हाट, लाइट एंटर, कितना लाइट एंटर कर रहा है
आपकी आई के अंदर, वो आपका प्यूपिल कंट्रोल करेगा। कॉन्स के बारे में जानते हो, ब्राइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलरफुल विजन के रिस्पॉन्सिबल है, यू नो वेरी वेल। रोड्स की बात करते हैं तो बच्चों रोड्स की आप रोड्स जो है डिम लाइट विजन का काम करता है। किसमें? डिम लाइट विजन में, या ट्यूबलाइट विजन भी कहते हैं। डिम लाइट विजन अंधेरे में आप देख पाते हो, तब वो इसी वजह से होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस होती है तो वाइटामिन ए की कमी से होती है, वाइटामिन ए के डेफिशिएंसी से होती है, जानते हैं ना आप ये सब चीजें। और आयरिस की बात करते हैं बच्चों, तो आयरिस या बाइनोकुलर विजन, तो हम कहते हैं आय जो सबसे बाइनोकुलर विजन लोग, बाइनोकुलर विजन जो है एग्जैक्टली इसको हम कहते हैं क्या है, इज विजन ऑफ टू आईज, राइट, विजन यूजिंग टू आईज। हम देख सकते हैं विजन यूजिंग, बाइनोकुलर है ना, यूजिंग टू आईज। तो क्या इसमें आपका रिप्लाई आयरिस, आयरिस की बात करते हैं, आयरिस किस लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो आयरिस का काम है कंट्रोल करना डायमीटर ऑफ द साइज ऑफ पिपल, ठीक है, कंट्रोल डायमीटर और साइज ऑफ पिपल, ताकि कितना लाइट अंदर जाएगा वो डिफाइन होता है। तो अब आपको समझ गए होंगे, हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई है, तो आंसर हमें तो मिल चुका, पहले बी हमारा राइट आंसर इन केस में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं हम लोग, और आप लोग भी आंसर मिलाते चले जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द रॉड सेल्स एंड द कोन सेल्स, रॉड सेल्स और कोन सेल्स के बीच में, यहां जो दिए गए हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें सही इंफॉर्मेशन करेक्ट डिफरेंस जो है कौन दे रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये मिलता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, रॉड सेल्स कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है आपने देखना, क्या अंडरलाइन कर लो, करेक्ट, करेक्ट के बारे में बात हो रही है यहां पर। तो डिस्ट्रीब्यूट रॉड सेल्स मोर कंसंट्रेटेड इन द रेटिना, रेटिना में, सेंटर ऑफ रेटिना पे ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं, सेंटर ऑफ रेटिना में जो ज्यादा कंसंट्रेट होती है वो कोन सेल्स होती हैं। कौन सी होती हैं? कोन सेल्स होती हैं। आपने पढ़ा होगा जहां पर फोविया सेंट्रलिस कहते हैं, रेटिना के ऊपर डिप्रेशन होता है, वहां पर कोन सेल्स बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में होती हैं, कंसंट्रेट होती हैं सेंटर रेटिना, ना कि रॉड सेल्स। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी पे चलते हैं, विजुअल एक्टिविटी कैसी है आपकी, रॉड सेल्स की हाई होती है, नहीं इसकी लो होती है, बल्कि कौन सेल की हाई होती है, यहां पर भी हम गलत पहुंचे हैं, हमारा रॉन्ग मैचिंग है। सी पे चलो बच्चों, सी पे चलो, विजुअल पिगमेंट कंटेन, क्या रॉड के अंदर विजुअल पिगमेंट आइडोक्सिन होता है, नहीं, रॉड के अंदर विजुअल पिगमेंट होता है वो रोडोक्सिन होता है, आइनोक्सिन आइडोक्सिन नहीं होता, और कोन्स में आइडोक्सिन होता है, तो यहां पर भी हम विजुअल पिगमेंट रिगार्डिंग गलत चला। फोर्थ का ओवरऑल फंक्शन क्या है भाई, रॉड सेल का ओवरऑल फंक्शन विजन इन पुअर लाइट, बिल्कुल ठीक है, अंधेरे में हम देख पाते हैं बिकॉज ऑफ योर रॉड सेल्स। और कोन सेल्स की बात करते हैं, कोन सेल्स क्या है, कलर विजन, डिटेल्ड विजन इन द ब्राइट लाइट, बिल्कुल ठीक है, आप अगर धूप में जाते हो कलरफुल अपीयरेंस दिख रहा है बहुत ज्यादा, दैट इज ड्यू टू कोन सेल्स। तो आपका मैचिंग एकदम से बनता है, सभी ने मेरे ख्याल से मैच किया होगा, D would be your right one. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। कौन सा इनमें से, कौन सा, which of the following pair is not correctly match, कौन सा इनमें से correctly match नहीं है, अंडरलाइन कर डालो बच्चों, अंडरलाइन कर लो नॉट करेक्टली मैच, क्योंकि यही गलतियां होती हैं हमेशा, एग्जामिनर आपके माइंड के अकॉर्डिंग काम करता है, आपसे उसने गलती करानी है, आप अगर फंस गए तो गए, और नहीं फंसे तो आप मार्क्स लेकर जाओगे 4, नहीं तो -5 आपके सही वालों में से हट जाते हैं। तो 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, आंसर निकाल लिया आप लोगों ने, आंसर क्या निकला बच्चों 7 का, क्या रॉड जो है ट्विलाइट विजन में काम करता है, आपने कहा नॉट करेक्टली, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, सिलरी बॉडी, ट्विलाइट समझते हो ना, ट्विलाइट का मतलब डिम लाइट के दौरान काम करते हैं रॉड्स, बिल्कुल काम करते हैं। सिलरी बॉडी की बात की जाए तो आयरिस, यस आयरिस से एसोसिएटेड है, आयरिस के बीच प्यूपिल होता है जिसका डायमीटर आयरिस से कंट्रोल हो रहा है, वह सिलरी बॉडी वहां कंट्रोल करने चीजों को लेकर, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है, मैचिंग वाला है, हमें तो चाहिए नॉन मैच्ड, करेक्टली नॉट मैच्ड। रेटिना, रेटिना क्या रिलेट करता है ऑप्टिक काइज्मा से, बिल्कुल नहीं करता, हमें यही स्टेटमेंट चाहिए था जो मैच नहीं करता है, तो आंसर हो गया सी। चौथा डी को भी देखते हैं, विट्रस ह्यूमर पोस्टियर कंपार्टमेंट है, बिल्कुल कंपार्टमेंट है, विस्ट्रस ह्यूमर विस्ट्रस चैम्बर के अंदर मिलता है, जो पोस्टियर कंपार्टमेंट होता है वहां फ्यूमर, वहां पे एक फ्लू लाइक, थिक फ्लू लाइक, जेली लाइक फ्लू होता है, राइट है। तो चलिए अब ये कौन समय था, अब बात आती है कि ऑप्टिक काइज्मा की अगर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ऑप्टिक काइज्मा क्या है, तो आप क्या कहोगे इसके रिगार्डिंग,
यस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीचर ऑफ रेटिना पहली बार। तो ये मिलता कहां पर है? ये बच्चों एक एक्स शेप कैसा होता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है, दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर। और ये एक्स शेप स्ट्रक्चर मिल कहां रहा है आपको याद रखना पड़ेगा, बिलो द कहां पर, नीचे की तरफ, किसके बिलो, ब्रेन के बिलो, ठीक है, ब्रेन के बिलो की साइड में, जहां पर दो ऑप्टिक नर्व क्रॉस करने इच अदर, जहां पर दो ऑप्टिक नर्व क्रॉस करने इच अदर, जब जहां पर दो ऑप्टिक नर्व क्रॉस करने इच अदर वहां पर एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक काइज़मा। तो लिख सकते हैं हम क्या यहां पर, वेयर बिलो द ब्रेन, वेयर वेयर यस टू ऑप्टिक नर्व इदी पॉइंट रहेगा क्रॉसेस यस इच अदर, दोनों ऑप्टिक नर्व जहां पे क्रॉस कर रही हैं उस वाले पॉइंट पर एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक काइज़मा। तो आपका आंसर बिल्कुल सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को स्टडी करते हैं। अब बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है ना, इसको स्टडी करो जल्दी से, इसका आंसर बताओ। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको मैच करके बताना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैचिंग करनी है। देखो क्या होता है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द टाइप of the neuron present in the column 1 with its location given in the column 2. Column 1 में और column 2 को location wise match करना है। चलो पहला देखते हैं, first को किसे match कर सकते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, scalera है, तो scalera को किसे match किया जाए, scalera को match अगर करने लगे तो क्या, third वाला यानी compose of dense connective tissue, हाँ बिल्कुल ठीक है, scalera जो होती है compose होती है connective tissue की, वो भी dense होती है, 1 को हम third से match कर सकते हैं, क्योंकि स्केलेरा ना तो विजिबल कलर पार्ट है, ना ही डायमीटर से रिलेटेड है, ना ही थर्ड, और कोई ऑप्शन बनता नहीं है, तो बेस्ट मैचिंग इसका वन से थर्ड का, ए को थर्ड हो गया। बी पी आप कोरोइड, कोरोइड को हम किससे मैच करेंगे, कोरोइड एग्जैक्टली कंटेन करता है ब्लड वेसल और थोड़ा ब्लूइश लुक होता है, तो हमारे पास अगर पांचवा ऑप्शन हम मैच करें यहां पर, देखो फिफ्थ वाले पे जाएं यहां पर, तो कोरोइड क्या है, कंटेन ब्लड वेसल्स, ओके, और इसका जो लुक आता है ब्लूइश होता है थोड़ा सा, ब्लूइश इन कलर, कौन कोरोइड, तो कोरोइड का आंसर बी का मैचिंग हुई फिफ्थ के साथ। प्यूपिल पे आओ, प्यूपिल को हम किससे मैच कर सकते हैं, प्यूपिल डायमीटर होता है एग्जैक्टली, इसको रेगुलेट किया जाता है मसल ऑफ आइरिस से, है ना, सिलेरी बॉडीज वगैरह, तो एग्जैक्टली हम इसको मैच करेंगे इससे, यानी कि प्यूपिल इट्स डायमीटर, प्यूपिल के डायमीटर को हम रेगुलेट करते हैं बाय मसल ऑफ आइरिस, बिल्कुल, जिससे कि कितनी अमाउंट लाइट एंटर करे आइज के अंदर, राइट, अगर हम ब्राइट लाइट में जा रहे हैं तो हमारा जो प्यूपिल का डायमीटर है वो कम हो जाता है ताकि कम लाइट एंटर कर पाए, अगर हम अंधेरे वाले कमरे में जा रहे हैं तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाता है ताकि मैक्सिमम लाइट जा पाए तो हम कुछ देख पाए, ठीक है, राइट है। फोबिया पे आओ सी के बाद आगे डी पर, फोबिया को इससे कैच करेंगे, किससे मैच करेंगे, फोबिया पोर्शन ऑफ रेटिना है, राइट है, वेयर ओनली कोन्स, बिल्कुल ठीक है, इसको फोबिया सेंट्रलिस कहते हैं, क्या कहते हैं, फोबिया सेंट्रलिस, तो फोबिया सेंट्रलिस पर क्या होता है, ये रेटिना का वो पोर्शन है जहां पर कोन सेल्स मिलते हैं, खाली क्या मिलते हैं, कोन सेल्स मिलते हैं, वो डेंसली पैक होते हैं, वहां रोड सेल्स में नहीं मिलते, और इसी पार्ट पर मैक्सिमम ब्राइट विजन या कलरफुल विजन दिखता है। और आइरिस पे आओ लास्ट, आइरिस को किससे मैच करेंगे, आइरिस का विजिबल कलर्ड आई पोर्शन, किसी के कहते हैं किसी के ब्लू आईज हैं, किसी के ब्राउन आईज हैं, किसी के ब्लैक आईज हैं, ड्यू टू कलर ऑफ आईज की वजह से होता है, दिस इज विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, आपको देख रहे हो आई का जो ब्लैक कलर है ब्राउन कलर है दैट इज योर आईरिस, एग्जैक्टली आईज के मिडल में प्यूपिल होता है, ठीक है, तो आपको मैचिंग हो गया। अब बताओ आंसर क्या बना, सबने मैच कर लिया होगा, अब इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बनेगा एट्थ में, यस बी, ए का 3, बी का 5, सी का 2, डी का 4 और ई का 1, राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो बच्चों, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट करेक्टली, अंडरलाइन कर लो, मैंने हाईलाइट किया है थोड़ा सा, नॉट करेक्टली मैच विद इट्स फीचर, इसके फीचर दिए हैं आपको, कौन सा निकालना है इसमें स्टेटमेंट जो नॉट करेक्टली मैच है। चलिए नंबर 1 पे चलते हैं, ईफ्रिट न्यूरॉन, क्या ईफ्रिट न्यूरॉन मैच करता है, चलिए देखें, नॉट करेक्टली मैच निकालना है, तो ईफ्रिट न्यूरॉन कैरी करता है सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सीएनएस से इफेक्टर तक लेके जाने वाला ऑर्गन को बिल्कुल ईफ्रिट न्यूरॉन कहेंगे, ये मैचिंग वाला है, हमें आंसर ये नहीं, ये करेक्ट नॉट करेक्ट मैच लिखना है। एक्सोन टर्मिनल प्रोसेस करता है न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल, तो ये भी सही है, ये भी ठीक है हमारा कि भाई ये मैच बनता है, हमें चाहिए नॉन मैचिंग, एक्सोन टर्मिनल पर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं वेसिकल की फॉर्म में, इसको सेक्रेटरी वेसिकल कहते हैं, ठीक है। सी की बात करते हैं, लिम्बिक सिस्टम की बात हो रही है सी में,
along with hypothalamus and मिलकर it is involved in the regulation of sexual behavior. ठीक है, sexual behavior को control करता है आपका limbic system, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लिम्बिक सिस्टम का इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करना, मोटिवेशंस को. आप डिमोटिवेट हो रहे हैं अगेन ड्यू टू लिम्बिक सिस्टम, आप मोटिवेट हो पा रहे हैं अगेन ड्यू टू लिम्बिक सिस्टम. सर आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके मोटिवेटर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप वीडियो देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, आप किसी को देख के मोटिवेट हो रहे हैं, किसी के सराउंडिंग को देख के मोटिवेट हो रहे हैं, दैट इज अगेन योर लिम्बिक सिस्टम फंक्शन कर रहा है. ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, ये भी मैच करता है, समझ आ रहा है. अब डी पे चलते हैं. क्या एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट इन सेरेब्रम? यस है. चलो ऐसे एरिया सेरेब्रम पे नहीं, सेरेब्रम में मैच होता है, सेरेब्रम में एसोसिएशन हो रहा होता है, ना कि सेरेब्रम में. तो ये वाला पॉइंट आप देखते हो यहां पर, तो गलती कर गए यहां पर स्टेटमेंट में. एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन. ये तो ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, एसोसिएशन एरिया सेंसरी एरिया से इंफॉर्मेशन लेता है, सेंसरी पार्ट से इंफॉर्मेशन लेता है, और वो एनालाइज करता है प्रीवियस इंफॉर्मेशन से, और फिर मोटर एरिया को भेजता है. तो इस एसोसिएशन एरिया, और वो कहां मिलता है, सेरेब्रम में मिलता है. हर सेरेब्रम के अलग अलग पोर्शन के अंदर, वहां पर फ्रंटल लोब में, पैराइटल लोब में, टेम्पोरल लोब में, वहां पे एसोसिएशन एरिया होता है. दैट इज, तो इट इज नॉट प्रेजेंट इन सेरेब्रम. तो इस पॉइंट को अगर देखें तो हमें मिस मैच मिल गया. डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, जो नॉट करेक्टली मैच है. तो आंसर का 9 का हो गया डी. सभी ने यही लगाया है, आई थिंक सो, सभी ने आपसे यही लगाया होगा, और सभी का आंसर सही भी आया होगा. ठीक है, आसान क्वेश्चन था. आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है. बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को स्टडी करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है. अगर ध्यान से लगाओगे तो सारा 2 सेकंड के अंदर आंसर आपके पास है, 2 सेकंड के अंदर आंसर आपके पास होता है. कैसा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करो करेक्ट मैच को ऑफ टाइप, करेक्ट मैच ऑफ टाइप ऑफ न्यूरॉन विद इट्स फंक्शन या लोकेशन. भाई यूनिपोलर न्यूरॉन है, वो कहां लोकेट होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में. बिल्कुल ठीक है, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हैं, वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर न्यूरॉन मिलते हैं. बिल्कुल ठीक है. बाइपोलर न्यूरॉन कॉर्निया फाई में नहीं बच्चों, कॉर्निया में नहीं, रेटिना में मिलता है. ये पहली बात, तो यहां लिखे जाए रेटिना लिख सकते हैं हम लोग, रेटिना ऑफ आई में मिलता है. इसके अलावा स्नेडेरियन मेम्ब्रेन ऑफ नोज से मिलता है, वहां बाइपोलर न्यूरॉन मिलता है. एक एक्सोन होगा, एक डेंड्राइट और एक एक्सोन मिलेगा. ठीक है, तो आपका बाइपोलर न्यूरॉन वाला कंसेप्ट यहां पर रॉन्ग मिल गया हमें स्टेटमेंट. थर्ड पे चलते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स मिलता है. बिल्कुल ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या बना हमारे पास, 1 और 3 राइट है, यानी कि सी ऑप्शन की तरफ हम जा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन. क्या आपका ये ऑप्शन सही था, क्या आप बताओ जल्दी से, क्या ये क्वेश्चन आपने सही निकाला, इसमें कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आसानी से कर पा रहे हो आप लोग. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच चुके हैं आप लोग हमारे साथ, और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ तैयारी करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया आपको डायग्राम देखना है और उसके आंसर्स निकालने हैं. इसके बेस क्वेश्चन काफी आने लगे हैं नीट के अंदर, एम्स के अंदर काफी पीछे आ चुके हैं. अब एम्स जब नीट से मर्ज कर गया है तो नीट में भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये बनते हैं आपको. तो आप इस पर तैयारी जरूर करें, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम पे कमांड जरूर करें, और ये कमांड आपके ब्रेन को भी कमांड करेगा, तभी आंसर सही मिलेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को स्टडी करिए. द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्स आर्क. बिल्कुल ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्स एक्शन से आर्च से कंट्रोल होता है, रिफ्लेक्स आर्च इज पाथवे. ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड एज ए बी सी डी ई एंड एफ एंड जी. आपको करना है चूज द करेक्ट ऑप्शंस. भाई करेक्ट ऑप्शन मैंने आगे दिए हैं, ये वाले, तो पहले आप देखो कौन से ए को क्या कह रहे हैं, हम वो लेबल करते जा रहे हैं, फिर उनको मैच कर लेंगे. तो ए क्या है यहाँ पर, ए आपको फिंगर दिख रही है, फिंगर यानी कि क्या हो गया, सेंस ऑर्गन हो गया. ये क्या हो गया, तो सेंस ऑर्गन मैं लिखते जा रहा हूं साथ साथ, आप भी अपने करते हो, सेंस ऑर्गन हो गया. हम आगे इसको मैच करेंगे, सेंस ऑर्गन हो गया. बी क्या है, यहां से बी लेके जाने वाला एफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन कह सकते हैं आप इसको, क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन कह सकते हैं या एफरेंट न्यूरॉन भी कह सकते हैं. ठीक है, चलो यहां से गया, ये गया, गया, गया सी तक पहुंचा. अब सी क्या है, सी की बात करते हैं तो ये ऊपर वाला पोर्शन देखो, यहां पर सी है, ये खत्म हो रहा है, ये सी यहां पर एग्जैक्टली. तो ये स्पाइनल कॉर्ड का वो पोर्शन है जो डोर्सल हॉर्न कहा जाता है इसको, स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल हॉर्न है ये. तो डोर्सल हॉर्न की तरफ से जो एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं या सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं. अब डी पे चलो, एबीसी हो गया. डी को अगर देखते हो आप, डी वाला ये वो पोर्शन है जहां सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है और यहां से एफरेंट न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन जा रहा है, लेकिन बीच में ये एक न्यूरॉन दिख रहा है छोटा सा जो एक रिले न्यूरॉन कह सकते हैं या इंटर न्यूरॉन कह सकते हैं. तो डी को हम क्या कहेंगे, डी को हम इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन कह सकते हैं. राइट, मैं इसको इंटर न्यूरॉन ही लिख रहा हूं यहां पर, इंटर
न्यूरॉन मैंने लिख दिया, ठीक है, किसको, जो सेंसरी न्यूरॉन से लेकर इंफॉर्मेशन रिले आपके जो मोटर न्यूरॉन में या इफेक्टर न्यूरॉन में भेज रहा है, तो उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मिलने वाला एक रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन मिलता है, मेंशन कर दिया मैंने डी को, दिस इज लाइक दिस। अब चलते हैं ये ई वाला, तो ई क्या है, देख रहे हो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल ऊपर हॉर्न हो गया, तो ये कौन सा हॉर्न हो गया, वेंट्रल हॉर्न हो गया, तो ई इज योर वेंट्रल हॉर्न। ये डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न में बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो बच्चों मुझे पता है आप लोगों की कंफ्यूजन क्या होती है, आप ऐसे याद करोगे जिधर से पाथवे आ रहा है, जहां से सेंसरी न्यूरॉन लेके आ रहा है उस वाले को आप कंसीडर कर लेना डोर्सल हॉर्न, और आप जो बीच में न्यूरॉन है न्यूरॉन कब हो गए, रिले न्यूरॉन कब हो गए, लेकिन जहां से इफेक्टर न्यूरॉन या इफ्रेंट न्यूरॉन जा रहा है, मोटर न्यूरॉन इंफ्रेंट लेके जा रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड से जिस पोर्शन से निकल रहा है, तो वो पोर्शन दैट इज वो दैट हॉर्न इज कॉल्ड वेंट्रल हॉर्न। अभी पहुंचता है बच्चों F पर, तो F को हम मोटर न्यूरॉन मेंशन कर रहे हैं, F को हम मोटर न्यूरॉन मेंशन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मोटर न्यूरॉन हो गया ये हमारा, और ये G क्या हो गया, G आपका मसल हो गया, इफेक्टर ऑर्गन हो गया, समथिंग करके इफेक्टर ऑर्गन या मसल कुछ भी कह सकते हैं आप, ये हो गया। अब हमने लेबलिंग कर ली, अब इस लेबलिंग को मैच कर लो, आपका मेरे ख्याल से आंसर सही आ जाएगा। तो हम मैच करते हो क्या मिलता है, एक सेंस ऑर्गन था मिलाया था हमने, बी सेंसिंग नर्व बताया कि ठीक है, डोर्सल बोन बताया था इसको, इंटर न्यूरॉन बताया था, ई को वेंट्रल हॉर्न बताया था, मोटर न्यूरॉन नर्व बताई थी, या मोटर या इफेक्टर न्यूरॉन भी कहा गया था, ई और जी को इफेक्टर, यानी ए आपका बेस्ट आंसर बनता है इसी केस में, बाकी आगे स्टडी करोगे कहीं ना कहीं गलती हो रही है इनमें आगे पीछे मैचिंग में, तो आपका आंसर मिल गया। इसको इस तरह के डायग्राम जरूर आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह के, तो जरूरी नहीं यही डायग्राम, ऐसे बहुत से डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये सपोर्टिंग डायग्राम आप सोच सकते हो, उनको फ्रेम करके बनाना और प्रैक्टिस करना सीखो बच्चों, जरूर करना, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर, जिसको भी आपने अच्छे स्टडी करना है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिंगल लूप ऑफ ह्यूमन कॉकलिया विद फ्यू पार्ट लेबल एज ए बी सी और डी, ये चार पार्ट में मेंशन किया गया है, ए बी सी डी। अब आपको ये मेंशन करना है कि एग्जैक्टली इसमें कौन कौन सा पार्ट है, जैसे बी की बात करते हैं तो बी क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या है, बी है, बी एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, आपको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था पहले, क्वेश्चन आया था टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को लेकर, ठीक है, बी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। सी क्या है, यहाँ पर ये लिम्फ फ्लूइड है, एग्जैक्टली दिस फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिलिम्फ, दिस कॉल्ड पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ फ्लूइड हो गया ये। और अगर डी की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ सिक्रेटरी सेल्स वगैरह हैं, ये सिक्रेटरी सेल्स वगैरह हैं, दिस इज योर सिक्रेटरी सेल्स, ठीक है जी। तो आप इसको अगर मैच करते हो, ये अगर डायग्राम ऑप्शन को मिलाते हैं, तो हमारे पास कौन सा बेस्ट बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द नेम एंड थ्री डिफरेंट पार्ट्स, तो तीन पार्ट में मैच किए थे, तो तीन पार्ट में जो मैचिंग मिला, बी को हमने टेक्टोरियल कहा था, सी को हमने पेरिलिम्फ कहा था, और डी को हमने सिक्रेटरी सेल कहा था। तो जितने एनसीईआरटी के डायग्राम है उनको ट्राई करना रिमेम्बर करने की, जितने बार आप उसको डायग्राम ड्रॉ करके सामने रखो, जितनी ज्यादा बार उसको देख पाओगे उसको याद करना उतना आसान होगा। इस केस में आपके पास आंसर बनेगा बी, आगे पीछे वाले ऑप्शन अगर चेक करो तो कहीं ना कहीं वो आपके आंसर गलत हो जाएंगे, मैचिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करो, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कहता है, गिवन डायग्राम शो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई विद वन पार्ट लेबल्ड एज एक्स। इसमें इस वाले पोर्शन को आप देख लो लेबल किया गया है एक्स, यहां पर लेबल किया है इस पोर्शन को एक्स, तो अब ये एक्स जो एग्जैक्टली है किसके बारे में बात हो रही है, आप ये देखोगे तो क्या कहोगे, जल्दी से बताओ, एक्स आप बताओ, पहले इसको बताओ ये वाला पोर्शन क्या कहते हैं इसके रिगार्डिंग भाई, कि ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। ऑप्शन वन कहता है इट इज ओपनिंग इन द लेंस दैट परमिट लाइट इनटू इनर चैम्बर ऑफ आई, या बी इट इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ वेस्कुलर ट्यूनिक, तीसरा इट इज अ बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर दैट चेंज शेप ऑफ द ब्रिम ऑफ फोकस, इट इज जेली लाइक सब्सटेंस, तो डी बिल्कुल गलत हो गया, डी बिल्कुल गलत हो गया, और जरा पीछे का डायग्राम देखो क्या बन सकता है, तो ये तो हो गए सिलरी बॉडी, और ये एग्जैक्टली यहाँ पिपल मिलेगा, राइट, ये वाला पोर्शन एक कलर्ड पिगमेंट यहाँ पर रहता है, आयरिस कहते हैं जनरली इसको, हम क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं, तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, इसका आंसर थर्ड वाला बेस्ट बनेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। 40 पे आते हो क्या देखते हैं कि यहाँ पर रेफर द गिवन फिगर ईयर विद अ फ्यू स्ट्रक्चर मार्क एज 1, 2, 3, 4 विच लेबल स्ट्रक्चर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन। ये कितना आसान क्वेश्चन है। यहां पर अगर हमारे पास साउंड वेव्स आ रही हैं, साउंड वेव्स इस ट्यूब्स के थ्रू मूव करना शुरू कर रही है, ऐसे जा रही है, तो ये साउंड वेव है, ये टकराती है आपके इस ईयर ड्रम पर। इस पर इस ईयर ड्रम पर टकरा रही है मान लीजिए। अब ये ड्रम टकराने के बाद ये हो गई हमारे पास पहली बोन मिल रही है मेलस, ये हमारे पास हो गए मेलस इनकस और ये पीछे स्टैरप हो गया, ठीक है, मेलस इनकस स्टैरप। तो यहां पर जो साउंड वेव है, यहां तक ये साउंड वेव थी, साउंड वेव से टकराई तो अभी साउंड वेव मैकेनिकल वेव में कन्वर्ट हो गई। मैकेनिकल वेव आगे आगे कन्वर्ट होगी वो अलग चीज होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है खाली कि कौन सा पोर्शन है जो कन्वर्ट कर रहा है साउंड वेव को मैकेनिकल वेव में या मैकेनिकल वाइब्रेशन में। तो ये स्ट्रक्चर सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज रिस्पॉन्सिबल ईयर ड्रम। तो आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर इन दिस केस। सभी का आंसर यही था, यस बच्चों सभी का आंसर यही था। तो बच्चों आज कितने बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो न्यू हैं इस चैनल पर, तो जल्दी से जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि रेगुलर मैनर में मेरी क्लासेस और लाइव क्लासेस आती रहती हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी नीट 2020 को टारगेट करने में। आपको बेल आइकन को हिट करना है ताकि आप मैक्सिमम कोई नोटिफिकेशन छूटे ना, सारी मैक्सिमम नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। आपको इन सब के साथ में एक काम और, अगर आप चाहते हो कि सर के साथ डेडिकेटेड स्टडी करनी है, वन टू वन इंटरेक्शन से सर के साथ क्लासेस लेनी है और पूरी टीम का बेनिफिट लेना है और पूरे जो कोर्सेस हमारे चल रहे हैं मेगा कोर्स कैप्सूल कोर्स इन सब का बेनिफिट लेना है, माइंड मैप की बात है, डीपीपी की बात है, टेस्ट सीरीज की बात है, अगर आप डेडिकेटेड मैनर में चाहते हो, शेड्यूल तरीके से तैयार करना चाहते हो, देन यू हैव टू डाउनलोड योर अनअकैडमी प्लस और वहां पे सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम पर आपको लेना है, यूज करना है एसपीजी लाइव कोड। एसपीजी लाइव कोड करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलता है एंड यू एंड मी अलोंग विद होल टीम आपके साथ जुड़ जाती है और आपके वेलफेयर के लिए, आपके अचीवमेंट के लिए नीट 2020 के लिए हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसका बेनिफिट आपको प्रॉपर मिलेगा, राइट। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, ओके बाय बच्चों, बाय।